वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। दोस्तों मैं हूं शिवम और मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर्स का सेशन। ओके दोस्तों, आज है 31 जुलाई, ठीक है, और हम लोग आने वाले कुछ समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों आज बहुत बारिश भी हो रही है और बहुत हवा भी चल रही है तेज, तो हो सकता है आपको कभी कभी हवा की साउंड आ जाए तो माफ़ कीजिएगा, और इसीलिए मैं आज कंट्री ऑफ द डे नहीं करवाऊँगा। ओके, क्योंकि आपको डिस्टरबेंस होगा बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन आपका डेली करेंट अफेयर्स ना छूटे इसलिए मैं वीडियो ले आ रहा हूँ, ठीक है, स्किप नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, चलिए बिना कोई देरी के हम लोग शुरू करेंगे आज के करेंट अफेयर्स को। बस एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो हमारे चैनल पर हमेशा की तरह नए हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। और पुराने लोग याद करके बेल आइकन को कैसे भी करके दबा देना है, ठीक है भाई, शुरू करें, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न काफ़ी शानदार, ओलंपिक टोक्यो 2020 से रिलेटेड, कि कौन सी भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में ताइपे की मुक्केबाज को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर एक पदक पक्का कर लिया है। विच इंडियन बॉक्सर है डिफिटेड ताइपे बॉक्सर टू सिक्योर अ मेडल बाई मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स एट द टोक्यो ओलंपिक्स। दोस्तों आपके ऑप्शन है मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन, गीतिका और अरुंधति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लवलीना बोरगोहेन। देखिए दोस्तों, अभी तक भारत दो मेडल सिक्योर कर पाया है, एक तो जीत लिया है हमारी मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की है, और दूसरी मेडल सिक्योर की है ये लवलीना बोरगोहेन ने। ये कहाँ की है भाई, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट की है, ठीक है ना, असम की, और लोग उसको प्रताड़ित करते रहते असम वाले लोगों को, असम वाले लोगों को नहीं, यदि मेघालय वाले लोगों को चल जाए या फिर अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों को, लोग ये भी पूछ लेते हैं कि क्या तुम भारतीय हो, तो भाई ये सब शर्मनाक बातें आप सब ना किया कीजिए। ओके, और बाकी दोस्तों मैरी कॉम का इशू आपको समझ पता ही होगा कि मैरी कॉम चूँकि अब वो लगभग रिटायर ही हो गई ओलंपिक से, लेकिन उन्होंने बताया उन हारने के बाद भी उनका रिएक्शन एकदम अजीब था, मतलब लग रहा था जैसे कि वो जीत ही गई हो, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि दोस्तों ये जो है ना ख़राब अंपायरिंग की गई है, ठीक है, जजिंग खराब की गई है जिसके बदौलत हम हार गए, ऐसे हम जीत ही गए थे, ठीक है, तो ये बात हुई। चलिए, तो ध्यान रखिएगा लवलीना बोरगोहेन को, अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये गोल्ड हमारे लिए प्राप्त करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रोवाइड प्ले स्कूल फैसिलिटी टू द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज। ओके दोस्तों, आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्रवेश प्रोग्राम, फिर खेलकूद प्रोग्राम, फिर कला डिजाइन प्रोग्राम, फिर संतुलित आहार प्रोग्राम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। सरकारी प्ले स्कूल बनाया जाएगा इस विद्या प्रवेश प्रोग्राम के तहत, ठीक है दोस्तों। बाकी इसके बारे में और जान लेते हैं, नीचे काफ़ी सारी बातें दी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित है, ठीक है भाई, विद्या प्रवेश के जरिए यह गाँव गाँव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य में भी इसे ज़रूरत के हिसाब से लागू किया जाएगा, ठीक है भाई। देश के किसी भी हिस्से में अमीर हो या गरीब, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए और आसानी से होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद्या प्रवेश प्रोग्राम का संबंध किससे है, तो प्ले स्कूल से, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न चूंकि दोस्तों ये जो भी विभाग है ये काफ़ी लाइमलाइट में रहता है, तो इसके चलते ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिसेंटली। ओके, आपके ऑप्शन से दोस्तों राकेश अस्थाना, SN प्रधान, प्रभात कुमार और राहुल सचदेवा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SN प्रधान साहब, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो मतलब कि NCB, यदि इंग्लिश में बात कर ले तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बाकी और जान लेते हैं बातों को, कि NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने 29 जुलाई 2021 को NCB के प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है, ठीक है भाई। प्रधान ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना की जगह ली,
और राकेश अस्थाना भी इम्पोर्टेंट है कि इन्हें क्या बनाया गया है दोस्तों, तो राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे रेशन प्रधान है इनके पास NDRF का भी पद है, NDRF के महानिदेशक का, उसके बाद फिर ये NCB के भी महानिदेशक अब बन गए हैं, और बाकी जो राकेश अस्थाना भाई साहब जो NCB के पूर्व महानिदेशक थे वो अब दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी गई भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एग्री टू रिटर्न 14 वैल्यूएबल ऑफ आर्टिफैक्ट्स स्मगल्ड टू इंडिया केप्ट इन द नेशनल आर्ट म्यूजियम। आपके ऑप्शन है दोस्तों नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों बात क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी गई भारत की 14 कलाकृतियों की वापसी की जा रही है। ठीक है भाई, इनमें पीतल व पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग व कुछ तस्वीरें शामिल हैं। ओके, साल 1989 से 2009 के बीच ये कलाकृतियां NGA के अधिकार में शामिल की गई थी। ठीक है भाई, मतलब राष्ट्रीय कला संग्रहालय के अधिकार में शामिल की गई थी। इससे पहले 2014 में संग्रहालय की ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति को वापस किया गया था। देखिए दोस्तों भारत की बहुत सारी कलाकृतियां हैं, बहुत सारे रेयर चीज़ है जो कि यहां से बहुत जगह दूसरे जगह पहुंच गया है। ठीक है, या फिर वो लोग चुरा कर ले गए हैं या फिर स्मगलिंग किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो भी आपको इंग्लैंड के आसपास कहीं बंद है, तो कायदे से तो कोहिनूर वगैरह को भी वापस करना चाहिए। अब देखना ये है कि वो लोग कब तक वापस कर पाते हैं या फिर वापस कर पाते हैं या फिर नहीं भी कर पाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ना करें, राजा वही रहे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है। विच कंट्री है रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी ई नायरा। आपके ऑप्शन से दोस्तों नाइजीरिया, युगांडा, नैरोबी और लाटविया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। ठीक है ना, तो नाइजीरिया ने अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है ई नायरा। दोस्तों इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बना नहीं है अभी तक इंडिया का कोई, ठीक है ना, लेकिन बैन भी नहीं है वैसा। हाँ, इंडिया में तो फिलहाल बैन ही है। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा क्रिप्टो करेंसी ई नायरा एक नया लॉन्च हुआ है जो कि नाइजीरिया का है, बस सिंपल सा बात है। और अगले प्रश्न को देखते हैं कि हर वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आपके ऑप्शन से दोस्तों 30 जुलाई, 29 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30 जुलाई। दोस्तों कल मैंने करंट अफेयर्स की शुरुआत में 30 जुलाई के जगह पर शायद 30 जून बोल दिया था, तो शायद गलती से जो प्रिंट हो गया था वही मैं बोल दिया था। ओके, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, तो 30 जुलाई को दोस्तों प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। बाकी इसके बारे में और बातों को जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। ओके भाई, 2013 में महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। ओके, और इस वर्ष की थीम क्या थी भाई, पीड़ितों की आवाज़ आगे बढ़ेगी, विक्टिम्स वॉइस लेड द वे। ओके, बस ध्यान रखिएगा ये सब छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। विच स्टेट पुलिस है लॉन्च्ड पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर वुमेन्स सेफ्टी। देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, देखिए दोस्तों केरल पुलिस ने एक वनदस्ता दल टाइप का एक व्हीकल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है पिंक प्रोटेक्शन। ये क्या करेगा भाई, तो ये औचक निरीक्षण करेगा। क्या बाकी बातें नीचे जानते हैं कि केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन नामक एक नई पहल शुरू की है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर क्राइम वगैरह को रोकना है। ठीक है, तो जहाँ पर पता चल जाए कि वहाँ ये सब क्राइम हो रहा है वो तुरंत वहाँ पहुँचेंगे लोग। ठीक है, ये सिंपल सा बात है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कोज होम ठीक है नामक कोविड RNA परीक्षण किट किस IIT संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। विच IIT इंस्टीट्यूट है डेवलप्ड द कोविड RNA टेस्ट किट नेम्ड कोवी होम। ओके, ये आई कैसे लिखा हुआ था, तो कोवी होम हो गया। चलिए आपके ऑप्शन है
ये JJT नहीं है दोस्तों, ये IIT कानपुर है। अच्छा मैं कल से फ़ॉन्ट बदलवा दूंगा। तो ये IIT कानपुर है, ये IIT मद्रास है, फिर IIT हैदराबाद है, फिर IIT रुड़की है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद। ठीक है, तो भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक COVID-19 RNA टेस्ट की जो घर पर स्व परीक्षण की अनुमति देती है, जिसे कोवी होम कहा जाता है, को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के एक शोध समूह द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है भाई, मतलब IIT हैदराबाद इसका सही उत्तर है। तो किट को सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा मान किया गया है और इसका उपयोग घर पर आराम से COVID-19 ट्रेस की जांच के लिए किया जा सकता है। ओके भाई, यह परीक्षण किट रोग सूचक और बिना लक्षण वाले दोनों रोगियों के लिए 30 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है। ओके, ये सिंपल सा बात है। चलिए, मतलब कि 30 मिनट के भीतर आपको पता चल जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में OBC और EWS को कितने कितने परसेंट आरक्षण देने की घोषणा की है। इसकी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच रिजर्वेशंस फॉर OBC एंड EWS इन मेडिकल सीट्स। ओके दोस्तों, आपके ऑप्शन है 20-10, 9-25-15, 30-15 और 27-10। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 27% और 10%। ठीक है, तो दोस्तों मोदी जी के द्वारा किसमें, मेडिकल सीट्स में 27% और 10% का आरक्षण दिया गया है। 27% OWS के लिए और 10% EWS, मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है भाई, बाकी इसके बारे में और जानते हैं कि केंद्र ने अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत OBC के लिए 27% आरक्षण और EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। ठीक है भाई, ये सारी बातें आ गई तो मुझे थोड़ा सा याद आया क्या, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ। कल CBSE 12th का एग्जाम, सॉरी रिजल्ट निकला, एग्जाम तो हुआ ही नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट निकला इसका CBSE 12th का। दोस्तों आपको पता है कितने स्टूडेंट पास हुए, 99.37 इतने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए, मतलब कि करीब दोस्तों 70,000 या 75,000 के आसपास स्टूडेंट मात्र फेल हुए हैं। ठीक है ना, बाकी लगभग सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। तो ये है हमारा CBSE। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता जीती है। विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला साहिद हैज वन द प्रेसिडेंसी ऑफ द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आपके ऑप्शन से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। आपके ऑप्शन से मालदीव, स्विट्जरलैंड, UK और न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता जीत ली है। आपको आज का पहला प्रश्न कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में जो 75वां सत्र है उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तब तक इस प्रश्न के बारे में और जानते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार है कि मालदीव UNGA में राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ठीक है भाई, अगला है कि UNGA के राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल्ला साहिद की जीत पर एक गर्व और उपलब्धि और वैश्विक मंच पर देश के कद को ऊपर उठाने में एक कदम है। हाँ भाई, गर्व की बात तो होगी ही, ये पहली बार जब कुछ काम हो रहा है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज माइक हेंड्रिक का निधन हो गया है। विच कंट्रीज फॉर्मर बॉलर माइक हेंड्रिक्स पास्ट अवे रिसेंटली। आपके ऑप्शन है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जर्मनी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। दोस्तों हम लोग स्पोर्ट्स के नाम पर ज़्यादातर रुचि किस में रखते हैं, क्रिकेट में। लेकिन दोस्तों जो कि हमारा नेशनल गेम कौन सा है, नेशनल गेम हमारा हॉकी है। और आई होप कि आप, मुझे पक्का विश्वास होगा कि आप में से करीब 50% लोग हॉकी के बारे में कुछ जानते भी नहीं होंगे, 50% लोग हॉकी थोड़ा बहुत देख भी लेते होंगे। तो हॉकी का कल गेम चल रहा था इंडिया और नेपाल का, बहुत मज़ा आया देखने में, आप भी देख सकते हैं, अब उसका क्वार्टर फाइनल देखिएगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल ऑन इट्स 15th फाउंडेशन डे। आपका ऑप्शन है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, महिला और विकास मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 15वीं वर्षगांठ पर या स्थापना दिवस पर इसके द्वारा अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। बाकी इसके बारे में और जान लेते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपने 15वें स्थापना दिवस पर
अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। ठीक है भाई, यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। सिंपल सा बात था। अब आज की सेशंस लगभग ख़त्म हो चुकी है, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर, जो कि कल पूछा गया था आपसे कि 29 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, और आप लोगों को पता भी होगा कि भाई मोहन बगान दिवस मनाया जाता है, किसके साथ साथ, इंटरनेशनल टाइगर डे के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, इसके साथ और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे आप लोगों से कि कितने मतलब बाघ की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप लोगों ने बताया कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में है, सेकेंड पर कर्नाटक है। तो आप मैंने आपसे पूछा था कि सेकेंड पर कौन है, तो आप लोगों ने सही सही जवाब दिया। ठीक है भाई, तो 29 जुलाई को मोहन बगान दिवस मनाया जाता है, और मोहन बगान जो है एक फुटबॉल क्लब है। ठीक है, इंडिया का, पश्चिम बंगाल का एक फुटबॉल क्लब है, काफ़ी ओल्ड और काफ़ी फेमस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमोस ने, बाकी तो रॉसकॉसमोस का नाम सुनते ही आप लोगों के पास आपका उत्तर तैयार हो गया होगा, लेकिन और आगे जान लेते हैं। हाँ, रॉसकॉसमोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमोस हैज रिसेंटली लॉन्च द लार्जेस्ट स्पेस लेबोरेटरी नेम्ड नौका एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपके ऑप्शन से दोस्तों चीन, रूस, जापान और भारत, और जल्दी से इन चार ऑप्शन में अपने उत्तर का चयन कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें कमेंट कर बताइए। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माफ़ कीजिएगा कि मैं कंट्री ऑफ द डे नहीं करवा पाया, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा हवाएं भी चल रही है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा ही रखा है वीडियो की लेंथ को। ओके दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा, सेकेंड डोज जरूर से ज़रूर लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट आगे आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गुड बाय।